सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी चालू रखना है और लाइट चालू करना है। उसके बाद आपको ये इस तरीके से खोलना है और इसमें आपको कपड़े डालने हैं। तो जो कपड़े का जो लेवल रहता है ना मैम, इतना रहता है, इतना ये फिल्टर रखा है ना, ये फिल्टर, इससे ऊपर आपका कपड़ों का लेवल नहीं जाएगा, है ना। बाकी आपका 1 महीने 2 महीने में जब भी आपको इस तरीके से ये दोनों फिल्टर निकल जाते हैं, क्लीन करके आप इसको इस तरीके से लगा देते, कपड़े की जो भी गंदगी रहती है सब फंस जाते हैं, रेसी वगैरह। तो कपड़े डालने के बाद आपको इसमें सर्फ डालना है। ये आपका सर्फ सेक्शन है ये, और ये आपने लिक्विड। अब इसमें जैसे आपने कहा कि कितना सर्फ डालना कैसे क्या, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए अपने 4 या 8 कपड़े डाले, तो एक अंदाजा रहता है ना अपने कि 4 कपड़े में 2 चम्मच 4 चम्मच जो अपन जो बेच, जितना डालोगे पूरा ले लेगा, जितना भी आप इसमें सर्फ डाल रहे हैं पूरा सर्फ। इस तरीके से लगा दिया, अब अपन ने कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया, उसके बाद आप इसको इस तरीके से लगा दो, बंद हो जाएगा इस तरीके से। आपको थोड़ा वेट करना है कि ये लग जाए। ऐसे लगने के बाद अब क्या करना है, पावर, ठीक है, पावर कर दिया। पावर के बाद देखिए 1 आ गया, तो ये देखिए ये प्रोग्राम लिखा है इसमें। अब प्रोग्राम को दबाएंगे तो 1 2 3 हो रहा है ना। अब ये बता रहा है 1 पे आपका स्टैंडर, स्टैंडर मतलब होता है डेली वॉश, जो नॉर्मल आप वॉश करते हैं ना वो आपका स्टैंडर में आएगा, मतलब कि डेली वॉश, ठीक है। 2 आप कर दोगे तो आपका 2 पे है टब क्लीन। जैसे मान लो मैम 3 से 4 महीने बाद आपकी मशीन गंदी हो गई, आपको दिख रहा है पूरे में कैल्शियम लगा है ड्रम में, तो आपको सर्विस करनी है, तो एक वॉशिंग मशीन क्लीनिंग पाउडर आता है अमेजोन वगैरह, एक केमिकल रहता है जैसे कि वो हारपिक वगैरह आते हैं ना, इस तरीके से केमिकल रहता है, तो वो आपको डालना है उसी सरफ की जगह और इस पे चला देना है। 2 घंटे के करीब चलेगी पर आपकी पूरी मशीन साफ हो जाएगी, ऐसे ही चमक जाएगी जैसे अभी चमक रही है ना, बिल्कुल। अब इसमें क्या है, जैसे आपने पावर किया, पावर के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब 1 से आपका 10 तक के प्रोग्राम है, मतलब 1 से आपके 10 तक प्रोग्राम है कि आप यहाँ से ये प्रोग्राम से जो भी नंबर सेट कर दोगे, वो नंबर सेट करके स्टार्ट कर दोगे तो आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ इतना। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे कि मैंने किया आपको स्टैंडर्ड बताया और टपकली बताया, अब जो बता रहे एंटीबैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया मैम, उसको बीमार है, कुत्ते होते हैं ना बाहर से आते हैं इलाज के लिए आते हैं अपने यहाँ, तो जैसे इलाज के लिए आए, अब उनके कपड़ों में क्या होगा, वो खांसेंगे तो एक बैक्टीरिया होता है जो बाकियों को भी लग सकता है, तो उनके कपड़े आप स्पेशली इस पे करोगे ना, तो ये क्या करेगा, वो कंपनी को इतना गर्म कर देगा कि वो बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए इसे एक्टिव बैक्टीरिया, और ये हाईलाइट भी है थोड़ा, इनबिल्ट हीटर, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या कर देगा, उसमें बैक्टीरिया को खत्म करके कपड़े को वॉश, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन सिंथेटिक, ये आ गया सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब हो गया दाग धब्बा, अगर दाग है आपके कपड़ों में तो आप सिंथेटिक करके आप स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि 4 पे करके। अब इसके बाद आता है कॉटन, कॉटन कपड़ों को 30°C पर ये पानी गर्म करके वॉश कर ले। अगर कॉटन ही कपड़े अकेले हैं, अगर आपके सारे मिक्स हैं तो आप स्टैंडर्ड में कर दो, लेकिन कॉटन अकेला है तो आप कॉटन पे करके स्टार्ट कर दो। इसके बाद 6 पे ये बता रहा है कि स्टेन फ्री, ठीक है, दाग धब्बे दूर करना, हाँ ठीक है। इसके बाद ये बता रहा है जींस, जींस कपड़ों के लिए क्या हो गया, अगर जींस आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग कपड़ा रहता है मतलब, तो उसके लिए मोटे कपड़े के लिए, ठीक है। बाकी जी बता रहा है ये आपका बैकशीट वगैरह के लिए प्लिंकल फ्री, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका क्विक वॉश, क्विक वॉश का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए अब आपके पास 3 या 4 या 5 कपड़े हैं, कम कपड़े हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि ड्रम ज्यादा भरे या ज्यादा टाइम ले, तो यहाँ से जैसे कि देखिए मैम ये अपना 9 पे है, तो 5 6 7 8 ये 9 किया मैंने, तो 9 लेने के बाद क्या करेगा, मशीन कम टाइम लेगा, सिर्फ 26 मिनट ले रहा है, कम टाइम और बहुत ही कम पानी लेगा, मतलब कि ये आपके कम कपड़े हैं तो आपको क्विक पे करना है, अगर आपके सारे मिक्स कपड़े हैं तो आपको स्टैंडर्ड पे करना है। इसके बाद आता है डेलिकेट, जो कि होता है साड़ियों के लिए और बुलिन के लिए, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो सिंपल यूज कैसे था आपका, पावर, प्रोग्राम, स्टार्ट, 1 2 3, ठीक है। बाकी ये दोनों को चाइल्ड लॉक, अगर घर में बच्चे हैं तो आप इन दोनों को इस पे प्रेस करके इसको चाइल्ड लॉक पे डाल सकते हैं, किया मैंने स्टार्ट करने के बाद ये दोनों बटनों को इस तरीके से प्रेस किया, ये हो गया देखो CL चाइल्ड लॉक। अब ये कोई बटन काम नहीं करेगा, इसे दोबारा खोलने के लिए आप दोनों इस तरह प्रेस करें, ये चाइल्ड लॉक खुल गया, प्रोग्राम लॉक होते हैं, कोई कैंसिल नहीं हो जाए ना उसके लिए। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने पावर किया, अब आपने कपड़े वॉश कर लिए, सिर्फ आपको स्पिन करना है, मतलब सिर्फ निचोड़ना है या फिर सिर्फ कपड़े वॉश करना है, तो प्रोसेस करो। प्रोसेस के बाद ये पहले बता रहा है कि उसने सोक तक ले लिया, दोबारा दबाओगे आप तो ओनली वॉश, सिर्फ कपड़ों को धोना है तो रिंग्स,
कपड़ों को धोके क्या करेगा, निचोड़ देगा, ये सुखा देगा, निचोड़ेगा और सुखा देगा, अब सिर्फ सुखाएगा मतलब ड्राई।